सर विजिलेंस ब्यूरो वालों जोड़ा करप्शन एक्ट 17 की उलंघना करके ना जी सरकारी अफसर नाल की जाए जा रही धक्केशाही रोस वजो ये फिलहाल 5 दिन वास्ते समूह छुट्टी ते जा रहे हैं। उस तो बाद मतलब पता लग जाएगा शायद कोई अज फैसला सरकार नाल हो जाए। फिलहाल 5 दिन की समूह छुट्टी है जी। पीछे सरकारी छुट्टी दे तहसील सारे बंद नहीं सकते दफ्तर। हाँ जी क्यों मसला की खड़ा हुआ सर अपने RTA साहब नू मतलब नियमों की उलंघना करके गिरफ्तार किया गया। मतलब असी करप्शन के खिलाफ हैं सारा स्टाफ पर जो नियम है वो लागू होने चाहिए है वो पूर्व प्रवानगी तो बिना उन्होंने गिरफ्तारी की गई है। मैं लाइसेंस रिन्यू कराने फोटो कराने आया सी अज ते मैं तकरीबन मोगा जिले चो आया मेरा इत्थे इत्थों दा बनया हुआ लाइसेंस फरीदकोट का पहला तो ही बहुत पुराना सियासी तो बनया हुआ तो इत्थे रिन्यू होना सी मेरा तो मैं तकरीबन इतों 35 किलोमीटर चल के सेखा कलां पिंड तो आया बाघा पुराना तहसील है जिला मोगा साडा तो इत्थे आया तो पता लग्या कि इत्थे हड़ताल चल रही है। मैनू ये कारण कोई पता नहीं क्यों हड़ताल है मैनू ये बारे कोई पता नहीं है। देखा पढ़िया मैं इतने हड़ताल चल रही है मुलाजम सारे इतने बैठे है तो कोई काम नहीं हो रहा। एडी धुंद में आए हैं तो कुछ दिंदा नहीं सी कोई एक्सीडेंट भी हो सकता इरा च परेशानी का पूरी का सामना करना पे असी मांग करते हैं प्रशासन तो जी सही काम चलाया जाए किसी ना धक्का इन्हों ना हो अभी तो यह भी चाहते हैं जे इन्होंने कोई धक्का है तो वह भी गलत है तो पर सानू तो परेशानी लो आम पब्लिक नू तो है ही है जो तो साढ़े काम ही नहीं हो रहे उस विच। मेरा नाम सुखजीत सिंह है जी। मैं आपका लाइसेंस लर्निंग मेरी लास्ट डेट 10 तरीक है जी। मैं शनिवार भी आया से शनिवार कहते कचहरियाँ बंद से पता नहीं जी तो वह कहते भी सोमवार हो सकता खुलने तो सोमवार ही इन्होंने हड़ताल की जी अज ही कहते जी तो मेरी तो तरीक भी लास्ट 10 तरीक ही है जी तो यह कहते हूँ लर्निंग दोबारा बनाना जो मैथों फीस ना भरा उन्होंने फीस भी भरा ली 2000 रुपया जो अपने पक्का लाइसेंस बनता जी दुबार च मेरा जो ड्राइविंग का टेस्ट सी जी इस करके दिक्कत आई है जी आए भी ढलवा कलां तो तहसील कोटकपुरा। सर विजिलेंस ब्यूरो वालों जोड़ा करप्शन एक्ट 17 की उलंघना करके ना जी सरकारी अफसर नाल की जाए जा रही धक्केशाही रोस वजो ये फिलहाल 5 दिन वास्ते समूह छुट्टी ते जा रहे हैं। उस तो बाद मतलब पता लग जाएगा शायद कोई अज फैसला सरकार नाल हो जाए। फिलहाल 5 दिन की समूह छुट्टी है जी। पीछे सरकारी छुट्टी दे तहसील सारे बंद नहीं सकते दफ्तर। हाँ जी क्यों मसला की खड़ा हुआ सर अपने RTA साहब नू मतलब नियमों की उलंघना करके गिरफ्तार किया गया। मतलब असी करप्शन के खिलाफ हैं सारा स्टाफ पर जो नियम है वो लागू होने चाहिए है वो पूर्व प्रवानगी तो बिना उन्होंने गिरफ्तारी की गई है। मैं लाइसेंस रिन्यू कराने फोटो कराने आया सी अज तो मैं तकरीबन मोगा जिले चो आया मेरा इत्थे इत्थों दा बनया हुआ लाइसेंस फरीदकोट का पहला तो ही बहुत पुराना सियासी तो बनया हुआ तो इत्थे रिन्यू होना सी मेरा तो मैं तकरीबन इतों 35 किलोमीटर चल के सेखा कलां पिंड तो आया बाघा पुराना तहसील है जिला मोगा साडा तो इत्थे आया तो पता लग्या कि इत्थे हड़ताल चल रही है। मैनू ये कारण कोई पता नहीं क्यों हड़ताल है मैनू ये बारे कोई पता नहीं है। देखा पढ़िया मैं इतने हड़ताल चल रही है मुलाजम सारे इतने बैठे है तो कोई काम नहीं हो रहा। एडी धुंद में आए हैं तो कुछ दिंदा नहीं सी कोई एक्सीडेंट भी हो सकता इरा च परेशानी का पूरी का सामना करना पे असी मांग करते हैं प्रशासन तो जी सही काम चलाया जाए किसी ना धक्का इन्हों ना हो अभी तो यह भी चाहते हैं जे इन्होंने कोई धक्का है तो वह भी गलत है तो पर सानू तो परेशानी आम पब्लिक नू तो है ही है जो तो साढ़े काम ही नहीं हो रहे उस विच। मेरा नाम सुखजीत सिंह है जी। मैं आपका लाइसेंस लर्निंग मेरी लास्ट डेट 10 तरीक है जी। मैं शनिवार भी आया से शनिवार कहते कचहरियाँ बंद से पता नहीं जी तो वह कहते भी सोमवार हो सकता खुलने तो सोमवार ही इन्होंने हड़ताल की जी अज ही कहते जी तो मेरी तो तरीक भी लास्ट 10 तरीक ही है जी तो यह कहते हूँ लर्निंग दोबारा बनाना जो मैथों फीस ना भरा उन्होंने फीस भी भरा ली 2000 रुपया जो अपने पक्का लाइसेंस बनता जी दुबार च मेरा जो ड्राइविंग का टेस्ट सी जी इस करके दिक्कत आई है जी आए भी ढलवा कलां तो तहसील कोटकपुरा पैंदी है जी।